हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन डिराइव की थी। वन वाज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड अनदर वाज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाई देयर आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ओके, हमारे पास दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्यों डिराइव होकर आती हैं और इनका क्या यूज है? क्या हम एक रिग्रेशन लाइन यूज नहीं कर सकते? क्या दोनों रिग्रेशन लाइन का होना जरूरी है? उनका क्या यूज है? दोनों रिग्रेशन लाइन की क्या यूजफुलनेस है? इस वीडियो में मैं आपको आज ये बताऊंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन अबाउट एनी न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू। सो देयर आर वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट देयर आर ऑलवेज टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। वन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू म्यू वन वन। दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस एक्स बार, वेयर एक्स बार वाई बार डिनोट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज द वेरियंस ऑफ एक्स and mu 11 is the covariance of x and y. If we replace this covariance and write this is in terms of correlation, this equation will be y minus y cap is equal to r sigma y over sigma x into x minus x bar. Similarly, we have regression equation of x on y, this. So regression equation of y on x, jo aapko yahan dikh rahi hai, this is used to estimate or predict the value of y for any given value of x, right? Aur yahan par is equation mein you can see that x is independent variable and y is dependent variable. Is case mein jo hame estimated value milti hai y ki, agar hum is equation ka use karenge y on x ka, to y ki jo estimated value milti hai wo best hoti hai, in the sense that it will have minimum possible error defined by principle of least square. जब हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था तो आपको याद होगा हमने वर्टिकल एरर्स को रिमूव किया था, दैट एरर्स वाज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। हमने वाई में जो एरर्स थी वो मिनिमाइज करी थी, तब हमें वाई ऑन एक्स मिली थी। अगर हम एक्स में एरर को मिनिमाइज करेंगे, दैट इज द एरर्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स के केस में आप एरर ऐसे देखोगे, आप क्योंकि x को एस्टिमेट करोगे तो उस केस में आपको एस्टिमेटेड वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। तो आप उन x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो एरर हैं, उन एरर्स को मिनिमाइज करते हैं जब, तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y मिलती है, राइट? तो ये जो इक्वेशन है y on x वाली, जिससे हम y को एस्टिमेट करते हैं फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ y, यानी कि आप इससे x को भी एस्टिमेट कर सकते हो। वैसे तो हम इसको y को एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इसी इक्वेशन को x की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y, राइट? बट द एस्टिमेट सो ऑब्टेन विल नॉट बी द बेस्ट, सिंस दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन ऑन मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स इन एरर्स ऑफ एस्टिमेट्स इन वाई नॉट इन एक्स। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस केस में वी मिनिमाइज द एरर विच कम्स इन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई, राइट? हम एरर जो वाई की जो एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो एरर आती है उसको मिनिमाइज करके हम ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अगर हम इसका यूज एक्स की वैल्यू को एस्टिमेट करने में यूज करेंगे तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी इतनी क्लोज टू ऑब्जर्व नहीं आएगी जितनी इस केस में इस इक्वेशन का यूज करके आएगी, क्योंकि ये इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी? ये इक्वेशन हमें तब मिलती है जब हम एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट इज एरर, उसको मिनिमाइज करते हैं, तब हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो हम अगर इस इक्वेशन का यूज करेंगे टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो एक्स की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू के काफी क्लोज मिलेगी,
जबकि इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं तो वो हमें इतनी क्लोज टू ऑब्जर्व वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें एरर ज्यादा आएगी जबकि इस केस में एरर कम आएगी। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई फॉर यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, बट द एस्टिमेट सो ऑब्टेन विल नॉट बी द बेस्ट सिंस दिस इक्वेशन, कौन सी, वाई ऑन एक्स, दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन ऑन मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स ऑफ एस्टिमेट्स इन वाई एंड नॉट इन एक्स। Hence, to estimate or predict x for any given value of y, we use the regression equation of x on y, which is derived on minimizing the sum of squares of errors of estimates in x. What happens when there is perfect correlation? अब ये तो general जब perfect correlation नहीं था तब हमने equation derive करी है। परफेक्ट कोरिलेशन के केस में आर की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स अगर आप देखें तो दैट इज विल बिकम वाई माइनस वाई कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इनटू एक्स माइनस एक्स कैप, आर की जगह प्लस माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया एंड दिस सिग्मा वाई विल टेकन बिलो दिस वाई माइनस वाई कैप सो दैट वी हैव दिस इक्वेशन। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन of x on y will become this and you can compare these two equations are same, so we can say that in case of perfect correlation, that is when r is plus minus 1, both the lines of regression coincide, yani dono lines of regression ek hi ho jati hain, jabki in general we always have two lines of regression, one is regression equation of y on x and another is regression equation of x on y. Regression equation of y on x is used to predict the value of y for any given value of x. And regression equation of x on y is used to predict the value of x for any given value of y. So in general, we always have two lines of regression. But in case of perfect correlation, when r is equal to plus minus 1, both the lines coincide and in this case we get only one line. Okay, thank you very much.